कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा 13 अप्रैल को उत्तराखंड के रामनगर और रुड़की लोकसभा क्षेत्रों में पहुंची, जहां उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी नैनीताल जिले में स्थित रामनगर कस्बे में गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गौदियाल के समर्थन में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाते रहेंगे। कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से सत्ता में ही नहीं है, पिछले 10 वर्षों से भाजपा सत्ता में है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। अब वे कहते हैं 400 पार, उन्हें और अधिक बहुमत चाहिए। आगे सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को, 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं, 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहाँ से आया? आईआईटी आईआईएम पूरे देश भर में कहाँ से आए, एम्स कहाँ से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज? तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं आपके सामने, कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था, मोदी जी का था,